हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल नीनी मसाला दी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद सुरभि के न्यू प्रोजेक्ट की एक न्यूज़ जो हमने आपको पहले भी बताई, अब हम उसके बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें, हमने आपको पिछली बार यानी कल एक वीडियो दी थी छोटी सी 30 सेकेंड्स वाली, जिसमें हमने बताया था मोनी रॉय हो सकता है ज्वाइन करें। तो अब हम उसकी पूरी और आपको जानकारी देते हैं जो आई है, जो थ्योरी है, जो लोग मान रहे हैं, लीक्स बता रही हैं। तो चलिए शुरू करें। तो हम बता दें, एम जो एकता कपूर ने रिवील किया था कि नागिन 6 में जो आने वाला है नेक्स्ट टाइम, जो नागिन 6 प्रीमियर होगा यानी वो अगले साल होगा, हम ये भी आपको बता दें। तो एकता कपूर ने एम नाम दिया था एक्टर का। कई लोग बोल रहे हैं कि ये मोनी रॉय की वापसी होगी क्योंकि नागिन सीजन 1 से डायरेक्ट पिकअप करेगा। जहां लोग बोल रहे हैं सीजन 1 से होगा, ना कि सीजन 2 से, तो शिवन्या की कहानी फिर से दिखाई जाएगी और हो सकता है कि सुरभि का कोई पार्ट हो। कई लोग ये भी बोल रहे हैं और बताया जा रहा है कि हो सकता है सुरभि चंदा की कहानी कैमियो से हो, या फिर सुरभि शरद की कहानी को कंटिन्यू किया जाए और मोनी रॉय कोई नया रोल प्ले करेगी। इसमें कई लोग ये भी बोल रहे, जैसा हमने आपको बताया एम का मतलब शरद भी हो सकता है। तो आप बताएगा आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या ये कहानी सुरभि शरद की कहानी कंटिन्यू करेगी या बिल्कुल ही नई कहानी होगी। लेकिन जो भी हो, हमें सुरभि और मोनी को देखने की चांस मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा होगा। आपको पता है फैंस इन दोनों के कितने दीवाने हैं, दोनों ही नागिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन्होंने ही नागिन को आप कह सकते हैं टीवी के मैप पर चिपका है, जिसके कारण आज लोग नागिन फ्रेंचाइज की बात करते हैं। तो आज की खबर में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।